प्रधान साहब हलका पूर्वी के दसना चाहना भी जोड़े कांग्रेस के एम एल ए साहब ने उन्होंने बहुत बड़े बड़े बोर्ड लाए ने भी 4000 करोड़ का विकास करता। लुधियाने की नुहार बदल जाए तो बाहर अमेरिका तो टीम देखने लुधियाने भी 4000 करोड़ रुपये लगे। हलका पूर्वी का एम एल ए कांग्रेस का की कह रहा, मैं 20 करोड़ चाहे लगे चाहे 50 करोड़ लगे वोटा खरीद लूँगा। एम एल ए साहब दसना चाहते हैं इतने बकाऊ नहीं लोग, तू जरा सोचता वा भी मैं पैसे लैके वोटा खरीद लूँगा पर पैसे तो जरूर वापस लैन गए क्योंकि तू लोगों के पैसे लुटे ने, टैक्सा के पैसे लुटे ने, वापस जरूर लैन गए। इस बार वोट हरेक ने झाड़ू में पानी है जिन्ना मर्जी जोर ला। आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा किसने देखा? 77-47 से फोन करके तुम दसो तुम्हें सीएम कह जा चाहिए और लोगों को पूछा गया तो लोगों ने बहुत बड़ी तादाद लखा के तदाद तकरीबन मेरे ख्याल 10 लाख के करीब लोगों ने कॉल करके मतलब कि आम आदमी पार्टी के उस कॉल पर मतलब कि फोन किया भी इस बारी भगवंत मान आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री चाहिए। जो असं जाने इलाके क्योंकि कोविड चलता वा इस करके कुछ पाबंदियां ने चोण कमीशन दियाँ घर घर जाने तो घर जो कहने भी इस बार भाई आम आदमी पार्टी ले आयो तो वह पहला अगे आवाज़ आँदी है असा पहले ही सोची बैठे हाँ तुम घूमो चाहे ना घूमो इस बारी इन्हों के झाड़ू फेरना ही फेरना आम आदमी पार्टी सरकार बनानी बनानी आ। सत समर न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। सो चोण अखाड़ा पख्या होया पूरे पंजाब दे विच, गल करांगे अज लुधियाना शहर दे हलका पूर्वी दी जिथे देखण नूं मिल रहा कि उम्मीदवार जो ने वख-वख पार्टियां दे लगातार इलेक्शंस नूं लैके तैयारियां कर रहे ने। सो अज असीं गलबात करांगे आम आदमी पार्टी तो दलजीत सिंह भोला गरेवाल दे नाल कि किस तरह उन्हां दी तैयारियां जो है इलेक्शंस नूं लैके चल रहियां ने। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। हलका पूर्वी दे इलाके च तुहाडी तैयारियां इलेक्शंस नूं लैके किस तरह चल रही है? विधानसभा हलका पूर्वी च लुधियाना अज ऐसा माहौल आ मेले वर्गा और लोग आप मुहारे प्रचार करते फिर ने क्योंकि हर महल्ले दे विच हलका पूर्वी दे हर इलाके दे विच किसी ना किसी की रिश्तेदारी दिल्ली बच्चे है और किसी ना कोई लिंक दिल्ली बच्चे और दिल्ली वाले फोन कर रहे हैं अपने रिश्तेदारों उन्होंने कली कली दस रहे हैं भी इतने अज बिजली मुफ्त करती केजरीवाल ने, अज वधिया स्कूल बनाते ने पढ़ाई फ्री करती, अज वधिया हस्पताल बनाते और वधिया इलाज हो रहा फ्री इलाज हो रहा और पानी फ्री हो गया, करप्शन खत्म हो गई खास करके दिल्ली दे विच और घर घर जाके काम हो रहे हैं। वो दिल्ली वाले जिहड़े रिश्तेदार ने इत्थे दे उन्होंने दस रहे ने और जदों असीं जाने इलाके दे विच क्योंकि कोविड चलता वा इस करके कुछ पाबंदियां ने चोण कमीशन दियाँ घर घर जाने तो घर जदों कहने भी इस बार भाई आम आदमी पार्टी ले आयो तो वह पहला अगे आवाज़ आँदी है असा पहले ही सोची बैठे हाँ तुम घूमो चाहे ना घूमो इस बारी इन्हों के झाड़ू फेरना ही फेरना आम आदमी पार्टी सरकार बनानी बनानी आ और दिल्ली वाले नज़ारे असी भी लेने पंजाबियों ने। सर केजरीवाल जो आए सन उन्होंने 10 गरंटियां जो पंजाब नूं दित्तियां उन्होंने गरंटियां तो अलावा तुसी अपने हल्के लिए की करो? विधानसभा हलका पूर्वी के दसना चाहना भी जिहड़े कांग्रेस के एम एल ए साहब ने उन्होंने बहुत बड़े बड़े बोर्ड लाए ने भी 4000 करोड़ का विकास करता और मैनू समझ लगती भी 4000 करोड़ का उन्होंने पता ही नहीं भी किन्ना हुंदा 4000 करोड़ का विकास जे लुधियाने से 4000 करोड़ लग जाए तो लुधियाने की नुहार बदल जाए तो बाहर अमेरिका तो टीम देखने लुधियाने भी 4000 करोड़ रुपये लगे आया। पर अज हलका पूर्वी की गल करते हैं हर महल के हर वार्ड के पीण वाला पानी गंदा आ रहा, सीवरेज सिस्टम जाम पिया वा, सड़क टुटिया पर जड़िया हूँ ही 3-3, 4-4 महीने पहला सड़क बनिया ने वो अज उखड़ गई ने क्योंकि वो की होया बहुत बड़ा घपला होया एक क्योंकि सड़कों के कह सकते हैं भी लोग की जगह थुक लाया गया वा और सीमेंट की जगह रेता लाया गया वा तो अज 3-3, 4-4 महीने पहला जो सड़क बनिया वो भी उखड़ चुकिया ने और एडा मतलब कि समझ लो बर्बाद किया हलका पूर्वी नूं। हलका पूर्वी नूं इन्हां ने इन्हां दा कौंसलर ही कह रहा भी दड़े सट्टे का अड्डा बना के रखता एम एल ए साहब ने और दड़े सट्टे के अड्डे चला रहा तो कब्जे कर रहा वा और तुसीं बाकी उहदा करैक्टर बारे सारे ही जानते हैं किहो जिहा करैक्टर आ। ऐसे एम एल ए तो अज इन्ने परेशान ने हलका पूर्वी दे संगत और हलका पूर्वी का एम एल ए कांग्रेस का की कह रहा, मैं 20 करोड़ चाहे लगे चाहे 50 करोड़ लगे वोटा खरीद लूँगा। एम एल ए साहब नूं दसना चाहते हैं इत्थे बकाऊ नहीं लोग, तू जरा सोचता वा भी मैं पैसे लैके वोटा खरीद लूँगा पर पैसे तो जरूर वापस लैन गए क्योंकि तू लोगों के पैसे लुटे ने, टैक्सा के पैसे लुटे ने, वापस जरूर लैन गए। इस बार वोट हरेक ने झाड़ू में पानी है जिन्ना मर्जी जोर ला ला। सर कोविड पाबंदियां जो है इलेक्शन कमीशन वालों लगाई गई ने उसनों लैके किस तरह जो है चोन प्रचार कर रहे हो?
अज जो कोविड दी पाबंदियां ने वाकई ही उन्हों बचा की लोड़ आ। मैं तो सारे सत्कारयोग संगतां नूं हाथ जोड़ के बेनती करदा भी वध तों वध बचा रखो, अपने बच्चों का बचा रखो, क्योंकि जिहड़ा करोना की यह भयानक बीमारी आई ये बहुत भयानक सिट्टे निकले ने पिछे, पर इस वारी जिहड़ी ओमी करोना ये थोड़ा इन्ना खतरनाक नहीं। फिर भी सारे संगतां नूं बेनती करदे आं भाई अपना ध्यान रखो, तो असीं भी मतलब कि डोर टू डोर मतलब कि दूर होकर कल्ले कल्ले नूं समझा रहे हैं, दूर खड़ के समझा रहे हैं भी इस बारी भाई जिहड़ा इन्हां ने कांग्रेस ते अकाली दल ने पंजाब नूं लुट के पंजाब नूं बर्बाद किया, इन्हां ने 74 साल दे विच एक डक्का नहीं तोड़िया, परमाज पंजाब नूं लुट के खा लिया। तो अरविंद केजरीवाल ने 6 साल दे विच अज दवाई फ्री, पढ़ाई फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री और करप्शन खत्म करके घर घर जाके सरकार काम करी है। उस तरह ही आप आम आदमी पार्टी की सरकार इतने बना के 14 तरीक नूं झाड़ू वाला बण दवा के इन्हां दी सफाई करिए और आम आदमी पार्टी की सरकार लैके आईए, ताकि दिल्ली वांगू आपां भी इत्थे बढ़िया पंजाब अपना खुशहाल बनाईए। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਚਾਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟ ਪੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਈਏ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੱਜ ਵਿਲੱਖਣ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਆਏ, ਸਿਆਸਤ ਸਿਖਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਆ ਕੇ, ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ 800 ਯੂਨਿਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਕੂਲ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਇਆ, ਔਰ 5 ਸਾਲ ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਡੱਬੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਇਆ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਐਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਐਮ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ। 77 48 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਐਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਦਾਦ 'ਚ, ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਸ ਕਾਲ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਲੋਕ ਹਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ MP ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ MP ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਗਰੇਵਾਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣ ਅਖਾੜਾ ਜੋ ਹੈ ਪੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਲਦੀ ਜੋ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਲੜਨਗੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਚੋਣਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਾਕਸ਼ੀ, ਦਸਮਰ ਨਿਊਜ਼।